बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सूबाई सेक्रेटरी औक़ाफ़ और मज़मी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुहारी की दरबार हज़रत बाबुल अशअर रहमतुल्लाह पर आमद। डिप्टी कसूर तारिक अज़ीज़ सिंधु, मैनेजर औक़ाफ़ अज़हर फरीद व दीगर अफसरान भी हमराह थे। सेक्रेटरी औक़ाफ़ ने 19 कमर्शियल दुकानों का अफ्तिताह किया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुहारी ने कहा कि कमर्शियल दुकानों से 1 करोड़ का पहले रेवन्यू और महाना लाख रुपये आमदनी होगी। महकमा औक़ाफ़ दरबारों की तज़ीन और आइश के लिए रेवेन्यू के असूल के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। बाबुल अशअर रहमतुल्लाह के अहाते में लाइब्रेरी, लंगर खाना, वजू खाना की तामीर और जनरेटर की फरहमी जल्द की जाएगी। डॉक्टर ताहिर रज़ा ने कहा कि सुख कम्यूनिटी के लिए खानका की तामीर भी प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं। तसव्वुफ़ की रूहानियत में बाबुल अशअर रहमतुल्लाह का करदार हर मज़हब के लोग मानते हैं। डीपी कसूर तारिक अज़ीज़ सिंधु ने कहा बाबुल अशअर रहमतुल्लाह और औक़ाफ़ के अमलाक का तहफ़ पुलिस की जिम्मेदारी है। सूबाई सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुहारी और डीपीओ कसूर तारिक अज़ीज़ सिंधु ने बाबुल अशअर के मज़ार पर हाजिरी भी दी, मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी।